गाइस, वेलकम इन द न्यू ब्लॉग। गाइस, आज क्या हुआ, मैं जिम से सीधा पार्क चला गया क्योंकि दोस्त का फोन आया, खैर पार्क आया हूँ तो पार्क आ जा। तो मैं सीधा पार्क चला गया तो वहाँ घूमते घूमते मेरी चाबी गिर गई होगी जेब में से, दोस्त ने उठा के अपनी जेब में डाल ली और मुझे पता नहीं चला। और जब हम चलने लगे घर की तरफ, मैं चाबी ढूंढू जेब में, चाबी गाय स्कूटी स्टार्ट करने के लिए, तो चाबी पाई ना। तो मैंने कहा भाई चाबी खो गई, मैं दोस्त को बोला भाई चाबी तो मिल नहीं रही। वो कहता पता नहीं यार कहाँ गई होगी, दे चल अंदर चलते हैं, चल ढूंढते हैं। भाई मैं 10-15 मिनट ढूंढी और फिर मैं सोचा भाई अब या चाबी वाले बुलाना पड़ेगा या पैदल पैदल पहले घर जाऊँ। मैं घर की तरफ जाने के लिए तैयारी करी, मैंने चल घर चलते हैं पैदल पैदल और फिर देख लेंगे। तो तो उसके बाद दिखा रहा है मुझे, ये ले चाबी मेरी जेब में थी, मैं फ्रैंक कर रहा था तेरे साथ। है यार, हाँ दोस्त ने मेरे साथ फ्रैंक कर दिया। चलो कोई नहीं, उसने कर दिया तो कर दिया, तो सब कोई बात नहीं। मैंने उसको बोला यार ऐसे नहीं करते, कह रहे ना यार तूने मेरे साथ पहले भी कर दिया, मैंने भी कर दिया। चल फोन आ गया था इसलिए ब्लॉगिंग वाली वीडियो रुकी थी। चल अब बताता हूँ बात कि पार्क भी बहुत दूर था, 5-7 किलोमीटर दूर था मेरे से घर से। और वो पार्क का नाम है देवीलाल पार्क, 7 सेक्टर के पास है और GT रोड पे लगता है। गाइड्स, वहां से मुझे यहाँ आना पड़ता अपने घर 14 सेक्टर पैदल पैदल, क्योंकि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। क्योंकि मैं जिम जाता हूँ ना तो पैसे लेकर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ गिर जाते हैं पैसे, तो इसलिए मैं पैसे लेकर नहीं जाता। और गूगल पे वगैरह वाला जो फ़ोन था मेरा, वो घर पे चार्जिंग पे लगा गया था, लगा रखा था मैंने। मैं वो भी लेके नहीं गया क्योंकि वो बैटरी नहीं थी, मैं लेके जाने फायदा नहीं था, तो इसलिए मैं लगा देता हूँ, इसलिए आऊँगा चार्ज हो जाएगा। तो यार कुछ भी नहीं था, पैदल पैदल आना पड़ता, वो भी कुछ नहीं ले रहा था पैसे, तो दोनों एक जैसे थे। तो फिर क्या करते, पैदल पैदल आना पड़ता गाइड्स। तो शुक्र है उसने दिखा दी, मैं पैदल नहीं आना पड़ा मुझे गाइड्स। चलो यही शुक्र करता हूँ दोस्त का, उसने मुझे चाबी दिखा दी, पहले फ्रैंक वहाँ ही खत्म कर दिया, जितना लंबा नहीं करा। चलो कोई नहीं गाइड्स, अब मिलते हैं फिर आपसे नहा धोकर। नहा धो के मैंने कपड़े यही पहन लिए थे क्योंकि आज शाम को इनकी साथ वालों की शादी है ना, वहाँ जाना है। उनने बाहर वहाँ कुछ हॉल बुक करा रखा है, वहाँ पे खाना कर रखा है इनने शाम का, तो इसलिए मैंने सोचा शाम को कपड़े बदलने ही है, यही पहन लेता हूँ। इतने मैंने यही कपड़े पहन लिए हैं गाइड्स। और अब भूख लग रही है बहुत तेज, बच गए 2:30। अब देखते हैं मम्मी ने क्या बना रखा है खाने में और फटाफट खाते हैं गाइड्स चल के। चलो आपको भी दिखाते हैं क्या बना रखा है। देखो पहले तो दिखाते हैं आपको, लाइट ऑन करता हूँ, अंधेरा हो रहा है। और ये देखें, ये समझ नहीं आया, भूल गया नाम। ये है आलू बैंगन, हाँ ये है आलू बैंगन। दही पड़ी है फ्रिज में, नए वाले फ्रिज में दही पड़ी है। और वहाँ से उठाते हैं रोटी और फिर खाते हैं फटाफट। एक चीज दिखाना भूल गया, ये देखो यहाँ इनने वो खाना लगा रखा है, देखो ये सामने ए, 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 इसमें से दिख नहीं रहा हो, जाली हट रही है गाइड्स। कोई नहीं, ये देखो यहाँ खाना लगा रखा है, वो वेटर खड़ा, ये देखो यहाँ उनने खाना लगा रखा है। और उनने मुझे बुलाया भी था, कह रहे खाना यहाँ खा लेना, आज दोपहर का लंच यहाँ कर लेना। तो गाइड्स मम्मी ने पहले खाना बना दिया था, तो मैं तब वेस्ट है घर का खाना, तो इसलिए मैंने यहाँ ही खा लेता हूँ खाने को, वहाँ नहीं गया। और फिर मुझे बार बार कपड़े भी चेंज करने पड़े, शाम को ही कपड़े चेंज कर लूँगा एक बारी और सीधा शाम वाले वहाँ फंक्शन में ही चला जाऊँगा। ठीक है, हाजिर लगाया हुआ वहाँ एक बार, क्योंकि नहीं तो ये बुरा ना माने, क्योंकि मैं कल भी नहीं गया, कल भी इनने कर रखा था खाने का, ये घर में ही, कल भी नहीं गया तो आज भी नहीं गया, तो ये बुरा ना मान जाए, पड़ोस में है ना इसे बुरा ना मान जाए। तो इसलिए आज शाम को जरूर जाएंगे, मम्मी को लेकर चलता हूँ, पापा को भी लेकर जाऊँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं गाइस आपको। दोपहर को तो मैं सो गया था, अब बज रहे हैं 7:10 हो रहे हैं और मम्मी वहाँ रेडी हो रही है और हम भी चलो रेडी होते हैं, 8 बजे तक निकलते हैं। तो फटाफट अब रेडी होते हैं और फिर सीधा चलते हैं वहाँ पे, इन्हें मुरथल में वो करेगा होटल में शादी है, SK होटल में शादी है, ऊपर वाला हॉल ले रखा है इनने, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे हमारा डिनर है। चलो वहाँ ही जाके डिनर करते हैं और दिखाते हैं कौन सा होटल है और देखने में कैसा है, बाहर से दिखाते हैं और फिर आपको हॉल दिखाते हैं, हॉल कैसा है उसका पूरा, क्या सिस्टम कर रखा है उन्हें खाने में है, और वो दिखाते हैं, उसमें म्यूजिक सिस्टम भी पाएगा, सारा कुछ पाएगा, वो दिखाते हैं आपको गाइड वहाँ चल के। ठीक है, मैं तो रेडी हो चुका हूँ और मम्मी ने दादी को खाना खिला चुके हैं, पापा उस कमरे में हैं, वो भी रेडी हो रहे हैं, मैं जूते पहने रह रहे हैं उनके, वो भी रेडी हो जाएंगे, पर मम्मी रेडी नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि मम्मी खाना बना रही थी ना दादी का, तो इसलिए टाइम हो गया 8:20, 8 बजे का प्रोग्राम था जाने का। कोई नहीं, बीच में लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है गाइड। और अब ये कार्ड के ऊपर ना नाम लिखते हैं और फटाफट घर का एड्रेस और नाम लिखते हैं पापा का,
हैं, उसके बाद फिर फटाफट गाड़ी निकाल के निकलते हैं और सीधा आपको मिलते हैं अब होटल में। ठीक है गाइस, होटल में आ गए हैं, मजा शादी है ना, वहाँ आ चुके हैं गाइस होटल में। आपको दिखाते हैं बैक कैमरे में कैसा है, ये देखें कुछ देखने में ऐसा है गाइस। ये देखिए जूम करके दिखा देता हूँ, एक हफ्ते हुआ, ये देखें ये बच्चों का यहाँ झूले लगा रखे हैं, ये यहाँ ये है और इस तरफ पार्किंग है गाड़ियों की ना, ये है गाइस। चलो और बाकी आपको ना करते हैं, बाकी आपको अंदर जाके दिखाएंगे कैसा है देखने में अंदर से। चलो चलते हैं आप अंदर और फिर दिखाते हैं आपको भाई कैसा है। ठीक है अंदर जाके दिखाते हैं, साइड में से जाना पड़ता है होटल के, बिल्कुल उनका ही है ये। और यहाँ गार्डन है और दिखाते हैं वो कैसा बना हुआ है, ये दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। ये देखो साइड से ऐसा है, ये देखो यहाँ से देखे, यहाँ एक डीजे का लगा रखा है, ऐसा है डीजे का कुछ, और ये देखे गाइड ऐसा कुछ यहाँ है, ये देखे गाइड साहब यहाँ गाने बज रहे हैं गाइड, उसको इग्नोर करना ठीक है गाइड। और यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, और चलो कोई नहीं दिखाते हैं आपको यहाँ कैसा है वो खाने का कैसे करता है दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें ऐसे हैं खाने का कुछ, ऐसे स्टॉल लगा रखे हैं यहाँ, ये देखें पूरा। और ये होटल है पीछे देखो, ये है ना इसके बैक साइड में होटल है, ये कमरे हैं इनके इसके ये बैंकेट के, तो उसके पीछे होटल है वो बैक साइड में जो आपको दिखाया था ना, और इन उन्हीं का है ये भी ठीक है गाइड। आज वीडियो लेट आई है क्योंकि लेट तक शूट चला है गाइड वीडियो का, क्योंकि शादी शाम की रात की थी ना, इसलिए अब लेट वीडियो आएगी आज ये गाइड, उसके लिए सॉरी। और वीडियो को यहाँ ही एंड करते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना पता है ना गाइड, लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइड, और वीडियो को फैला दो ऑल ढक्कन बंद।